माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम का यूज किस तरह से करेंगे आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम की सेटिंग करने के लिए पेज लेआउट ऑप्शन से कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम नंबर ऑफ कॉलम्स की सेटिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप पेज साइज और मार्जिन सेट कर लीजिए ताकि आपको कॉलम क्रिएट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आए। साइज इंटरनेशनल लेवल के सभी पेपर साइज दिए गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई पेपर साइज लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा पेज साइज चाहिए तो आप विड्थ और हाइट में वो साइज सेट कर सकते हैं। साइज सेट करने के बाद आप मार्जिन सेट करिए। मार्जिन आप पेज सेटअप से भी सेट कर सकते हैं और पेज सेटअप के बाहर दिए गए कमांड बटन से भी आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन सेटिंग के बाद जब हम लोग ओके करते हैं तो जो हमारा पेज है वो हमारे साइज और मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। कॉलम्स क्रिएट करने के लिए आप कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स दिए गए हैं, आपको जो भी कॉलम का अपना प्रोजेक्ट बनाना हो उतने कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कॉलम अपने डॉक्यूमेंट पे बनाना है तो उसकी सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे ये सीखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट में दिखाया कि किस तरह से उसमें कॉलम बनाए गए थे, थ्री कॉलम्स की सेटिंग थी, तो आप कॉलम ऑप्शन पे जाइए, थ्री कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप थ्री कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रूलर में थ्री कॉलम्स डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दो लाइन लिखी लेकिन दो लाइनों के बीच में स्पेस ज्यादा आ रहा है, तो ये जो स्पेसिंग है ये पैराग्राफ स्पेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंटर करके अपने टेक्स्ट को लिखा हुआ है। इसकी सेटिंग को ठीक करने के लिए आप पैराग्राफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या फिर आप पेज लेआउट ऑप्शन पे जाइए, स्पेसिंग पे जाएंगे। आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग 8 पॉइंट की सेट है, इसको आप कम कर दीजिए। जब आप पैराग्राफ स्पेसिंग कम कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन है उसमें डिस्टेंस प्रॉपर आ गया है। अब हम लोग अगर कॉलम पर वर्किंग करते हैं तो आप होम ऑप्शन में दिए गए अलाइनमेंट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट सेट है वो लेफ्ट का सेट है। पैराग्राफ टाइपिंग हमारी जस्टिफाई ऑप्शन पे होती है। कभी भी आप कॉलम देखोगे वो दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर होता है। अगर आपको इस तरह की टाइपिंग करनी है तो आप जस्टिफाई बटन प्रेस करके अपनी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको इस लाइन में केवल इतना ही लिखना था तो आप स्पेस बार बटन प्रेस करते हुए उसको कर्सर को आगे बढ़ाएंगे और उस कर्सर को इतना आगे देंगे कि राइट इंडेंट या राइट मार्जिन के आगे या उसके बराबर ये कर्सर आ जाए और उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट लाइन की टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब आप नेक्स्ट लाइन की टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए आपका मैटर ऑटोमेटिक जस्टिफाई हो गया है। इसी तरह से हम पूरे डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर लेंगे और इस तरह से हम लोग ने पूरा मैटर टाइप कर लिया है। अब डॉक्यूमेंट की सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। जब आप अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं तो आप देखिए वो नीचे की तरफ से बराबर नहीं आ रहा है या बॉटम साइड से इक्वल नहीं है, तो उसकी सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे। उसकी सेटिंग के लिए आप कर्सर को टेक्स्ट के आगे रखिए जो पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर है, आप एंटर की प्रेस करेंगे। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जो आपका मैटर है वो बॉटम लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और आपको जितनी सेटिंग रखनी है आप उतनी ही तक एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह से आप नेक्स्ट कॉलम में भी यही प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम अपने मैटर को किस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर आने के लिए आप ब्रेक ऑप्शन का यूज करिएगा। जब आप ब्रेक ऑप्शन का यूज करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिक नेक्स्ट कॉलम पे पहुंच जाएगा और आप अपनी वर्किंग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप डॉक्यूमेंट में एंटर की प्रेस ना करके कॉलम ब्रेक का यूज कीजिएगा। अब हमें यहाँ पर अगर कोई इमेज लगानी है तो आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन से पिक्चर ऑप्शन, जो भी इमेज आपको लगानी है वो इमेज आप सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए तो वो इमेज आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। लेकिन उसकी सेटिंग करने के लिए आप फॉर्मेट में दिए गए टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पे जाएंगे। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन से आप इन फ्रंट टेक्स्ट करिएगा तो जो आपकी इमेज है और जहाँ पर आपको लगानी है वो इमेज प्रॉपर सेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कॉलम में कैसे ब्रेक लगाते हैं,
किस तरह से उसकी सेटिंग प्रॉपर करते हैं और इमेज को कैसे लगाते हैं ये देखा। अगर हमने कोई कॉलम का डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें हमें हेडिंग प्लेस करनी है तो किस ऑप्शन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग को प्लेस कर सकते हैं। हेडिंग डालने के लिए जैसे आपका ये मैटर है और ये मैटर आपने सेट कर लिया है, अब इसमें आपको हेडिंग डालनी है। सबसे पहले आप ऑफिस बटन पे राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप एडवांस ऑप्शन पे आकर एडवांस ऑप्शन से आप सेलेक्ट करेंगे शो डॉक्यूमेंट कंटेंट में टेक्स्ट बाउंड्रीज। तो जब आप टेक्स्ट बाउंड्रीज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो कॉलम है उसमें बॉर्डर लग जाएगा, जिससे आपको पता चल जाता है कॉलम एरिया कितना है और उसका कटर एरिया कितना है, कि आपको कॉलम में अगर कम ज्यादा पोजीशन करनी है, स्पेसिंग कम ज्यादा करनी है, तो आप यहां से उसकी स्पेसिंग कम या ज्यादा भी कर सकते। तो गटर ऑप्शन से हम लोग उसकी स्पेसिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी होती है तो आप टेक्स्ट पे पहले बॉर्डर लगा लीजिए, बाउंड्रीज ऑन कर लीजिए, उसके बाद जो भी आपको मैटर लिखना है वो मैटर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे आपने ये अपना टेक्स्ट लिख लिया है, इस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप एक बार फिर से पेज लेआउट के कॉलम ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे वन कॉलम सेट कर देंगे। जैसे ही आप वन कॉलम सेट करेंगे आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग वाली लाइन है वो एक सिंगल कॉलम में आ जाएगी, डबल कॉलम स्पेस आपके नीचे वाले मैटर में सेट रहेगा। यहाँ पर फिर आप अपना अलाइनमेंट सेंटर डाल दीजिए। आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है, आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, डालना है वो सारी सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कॉलम में हेडिंग डालने के लिए हम लोग किन ऑप्शंस का यूज करेंगे जिससे हमारे कॉलम में इजिली हेडिंग पड़ सकती है, पैराग्राफ में किस तरह से हम लोग इमेज के बेस पे शेप दे सकते हैं, या फिर पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर को किस तरह लाइन के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग सीखेंगे। डॉक्यूमेंट में इमेज में अगर आप देखते हैं कि आपका जो पैराग्राफ मैटर है उसमें आपको शेप देनी है कोई, जैसे ये सर्किल बना है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आर्च जैसी शेप देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इमेज को सेलेक्ट करिए, वो इमेज आपकी शेप में लगी होनी चाहिए। फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन से एडिट ब्रेक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जब आप एडिट ब्रेक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने इमेज लगाई है उसमें स्मॉल नोड्स लग गए हैं। अब यहाँ पर अगर आपको अपनी इमेज को सेट करना है तो ये नोट दिए गए नोट्स को आप माउस से प्रेस करते हुए ड्रैग करिए, फिर आप देखेंगे कि आपका मैटर शिफ्ट हो जाएगा और जो शेप आपको बनानी है या जिस शेप में आपको अपने टेक्स्ट को दिखाना है उसी शेप में वो टेक्स्ट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज आपको करके दिखाया कि किस तरह से आप अपने टेक्स्ट मैटर को एक शेप से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि कभी कभी फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो काफी बड़ा लिखा होता है, तो अगर वो फर्स्ट कैरेक्टर आपको लाइन के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए आप ड्रॉप कैप का यूज करेंगे। पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन में ड्रॉप कैप डिस्प्ले होता है, ड्रॉप कैप पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें नन ड्रॉप इन मार्जिन ऑप्शन डिस्प्ले होता है। अगर आप ड्रॉप्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आप अपनी विंडो स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो आर है आपका वो 3 लाइन का ड्रॉप हो रहा है, लेकिन अगर आपको 3 लाइनों से ज्यादा ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप में आएंगे और लाइन्स टू ड्रॉप ऑप्शन में 3 सेट है, आप यहां से वो ड्रॉप की पोजीशन बढ़ा सकते हैं और आप ओके करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आपने जो 5 लाइन का ड्रॉप दिया था आपका फर्स्ट कैरेक्टर 5 लाइन तक ड्रॉप हो रहा है। तो आप कॉलम में टेक्स्ट रैपिंग का यूज करके पैराग्राफ में शेप क्रिएट कर सकते हैं और ड्रॉप कैप का यूज करके पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर को लाइन के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करके सेट कर सकते। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में कॉलम में टैब वर्किंग भी करनी है या टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना है तो कॉलम के साथ टैब वर्किंग कैसे करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं, लेकिन उसमें हमने टैब के साथ वर्किंग की हुई है। तो आप कॉलम में टैब वर्किंग कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉलम तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन रूलर तो प्रॉपर डिस्प्ले होता है। आपने फर्स्ट टाइपिंग मार्कर से स्टार्ट की है, सेकंड टाइपिंग के लिए आपने टैब का यूज किया है। अगर आपकी एक कॉलम में वर्किंग हो जाती है, अगले कॉलम में आने के लिए आप पेज लेआउट में दिए गए ब्रेक्स का ही यूज करके नेक्स्ट कॉलम में आएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट कॉलम में आएंगे तो देखेंगे आपके टैब जो थे वो भी कॉलम में शिफ्ट हो गए हैं।
अब यहाँ पे हम लोग कोई भी वर्किंग करते हैं तो आप देखेंगे कि वो भी टैब में ही डिस्प्ले होती है, आप जो भी टाइपिंग करेंगे। तो कॉलम में आप टैब का यूज कर सकते हैं, कॉलम ब्रेक से अगर आप दूसरे कॉलम में शिफ्ट करते हैं तो आपके टैब पोजीशन भी उसी कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉलम में टैब लगाना है तो आप उसमें टैब पोजीशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम में टैब के साथ टेक्स्ट बॉक्स का यूज भी करना है, आप चाहते हैं आप कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाकर अपनी वर्किंग करें, तो आप इंसर्ट ऑप्शन में दिए गए टेक्स्ट बॉक्स का यूज कीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स जब आप लोगे तो उसमें ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन आता है, आप माउस से ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो कॉलम थे वो हाइड हो गए हैं और टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन आपके रूलर में डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको यहाँ भी टैब की पोजीशन सेट करनी है तो आप माउस से क्लिक करिए रूलर पे, तो आपकी टैब पोजीशन सेट हो जाएगी। और नॉर्मल टाइपिंग करनी है तो आप नॉर्मल टाइपिंग भी कर सकते हैं, फिर आपको जो भी एंट्री करनी है वो एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग टैब की वर्किंग कर सकते हैं कॉलम के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स का यूज कैसे कर सकते हैं हमने सीखा। अगर हमें किसी पेज में कलर भी डालना होता है तो पेज लेआउट में दिए गए पेज कलर का यूज करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में कलर को भी सेट कर देंगे। तो यहाँ पर पेज कलर भी हम लोग डॉक्यूमेंट पे सेट कर देंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम लोग किस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स, इमेज, कॉलम ब्रेक, हेडिंग्स, टेक्स्ट रैपिंग, ड्रॉप कैप, टैब और टेक्स्ट बॉक्स अपने कॉलम को कितना क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।